दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में ब्लॉगर पर अपनी एक फ्री रिचार्ज वाली स्क्रिप्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपके व्हाट्सएप पर भी कभी ना कभी इस तरह की एक लिंक जरूर आई होगी। उस पर क्लिक करने पर आपको बताया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा जियो के द्वारा आपको फ्री में रिचार्ज प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी तरह की स्क्रिप्ट आप भी अपनी बना सकते हैं। आपको पता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट अगर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाती है तो उस पर भर भर के ट्राफिक आता है और वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब स्क्रिप्ट किस तरह की होने वाली है तो साइड में आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन देख लीजिए। इस तरह की स्क्रिप्ट होती है, जैसे ही कोई भी यूजर व्हाट्सएप पे इसको शेयर करेगा और कोई भी यूजर उस पर क्लिक करेगा, इस तरह से उसके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रधानमंत्री फ्री रिचार्ज योजना, आपका एक वोट हमारे लिए अहम है। फिर तो इसको पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि ये जरूर बीजेपी की तरफ से कुछ आया होगा वोटिंग की वजह से। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ 28 दिन का रिचार्ज फ्री में अभी एक्टिवेट करें। और जैसे कोई यूजर फ्री गेट फ्री रिचार्ज पे क्लिक करता है तो इस तरह की यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल एड लगा सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए काफी देर आपका विजिटर यहाँ पे रुकने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ से वो अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करेगा, इसके बाद यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देगा, जो भी उसका नंबर होगा, मैं रेंडमली कुछ भी एंटर कर देता हूँ, और फिर वो सबमिट पे क्लिक करेगा। जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेट योर 28 डेज फ्री रिचार्ज, और इसके बाद में यहाँ पर एक और प्रोसेसिंग चलेगी। तो इतनी देर तक आपके काफी ज्यादा एड यहाँ पे लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपअप आ चुका, बधाई हो आपके नंबर पर 28 दिन का फ्री रिचार्ज एक्टिवेट कर दिया गया है। इस रिचार्ज को कंफर्म करने के लिए आपको नीचे दी हुई स्टेप को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि रिचार्ज को सक्सेसफुल कंफर्म करने के लिए आपको 10 लोगों को या 10 व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना है। तो यहीं से मेन गेम स्टार्ट होता है दोस्तों। जो भी इसको कंप्लीट करता है तो वो चाहता है कि उसको फ्री रिचार्ज मिलेगा और वो 10 लोगों को शेयर करता है, और फिर वो आगे भी 10-10 लोगों को शेयर होता चला जाता। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा वायरल होती है। और इस पर आप एस्टेरा की एड वगैरह लगा सकते हैं, किसी अदर एड नेटवर्क के आप एड लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेलिंक या फिर आपको जो आपका योफेन होता है उसके एड कोड के लिए मैंने आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी, तो उसके एड कोड यहाँ पे लगा के आप एडसेंस से भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी का तरीका बताऊंगा कि इस तरह की फ्री रिचार्ज वाली वेबसाइट आप बिल्कुल फ्री में अपने ब्लॉगर पर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उस पर एड लगाकर किस तरह से उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो जो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लेना है, गूगल पे आपको आ जाना है, ब्लॉगर सर्च कर लेना, इसके बाद blogger.com की जो वेबसाइट मिलती है उसको आपको ओपन कर लेना है। और इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको ब्लॉग टाइटल डालने के लिए बोला जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का कोई भी एक टाइटल दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पे फ्री रिचार्ज योजना, और चलिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना सब डोमेन सिलेक्ट कर लेना है, मैं फिर से वही टाइप कर देता हूँ फ्री रिचार्ज योजना, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। डिस्प्ले नेम में भी हम वही दे देंगे फ्री रिचार्ज योजना, और इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह सबसे पहले आपको ब्लॉगर पर अपना फ्री ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्री ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थीम वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की शेड आना है, और यहाँ पर आपको कुछ सिंपल थीम्स देखने को मिलती है, इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद अप्लाई कर दीजिए, गॉट इट कर दीजिए। इसके बाद आपको ऊपर की साइड वापस आना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, मोबाइल सेटिंग पे जाना है और यहाँ से इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। अब इसके बाद में आपको फिर से एरो पे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इस पर क्लिक करना है, विदाउट बैकअप को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी क्लासिक थीम यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अगेन एरो पे जाना है, चेंज नौ बार पे जाना है, और यहाँ से अगर ऑफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कुछ और सिलेक्ट है तो आपको ऑफ करना है, और यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद फाइनली एडिट HTML के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके थीम की ब्लॉक की जितनी भी कोडिंग है पूरी को कंट्रोल ऐसे ऑल सिलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। अब मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट का लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको नोटपैड में उसको ओपन कर लेना है, और नोटपैड में ओपन करने के बाद कंट्रोल ऑल करेंगे यानी कि सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। आप ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर आपको
चेंजिंग क्या क्या करना है। तो चेंजिंग के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं एक बार, इसको यहाँ से देख लेते हैं और ब्लॉक को हम न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं। तो फिलहाल आपका ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इसमें चेंजिंग क्या करना है आपको दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना जो URL है इसको कॉपी करना है, फिर से आपको एडिट HTML में आना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखता है एंटर योर वेबसाइट नेम, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर वेबसाइट URL, यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का URL एंटर करना है। और जहाँ पर आपको एंटर एड्स URL देखने को मिलता है, इस जगह पर आपको अपना एड कोड एंटर करना है। अब आप Astira का यूज करते हैं, किसी अदर एड नेटवर्क का यूज करते हैं, या फिर योफन या हेलिंग की जो मैंने आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की थी उसके थ्रू आप एडसेंस का भी एड कोड यहाँ पे लगा सकते हैं और उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एंटर URL का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी वेबसाइट का URL आपको एंटर कर देना है। इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपको एंटर URL का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आपको वेबसाइट का URL डालना है, और जहाँ पर आपको एंटर एड्स का ऑप्शन मिलता है वहाँ पर आपको अपने एड कोड यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल F दबाता हूँ, एड्स लिख के सर्च करूँगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर एड URL, इस तरह से तीन चार जगह पर आपको एड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा और तीन चार जगह पर ही आपको अपनी वेबसाइट का URL चेंज करना है। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। बस दोस्तों आपका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आप इसे WhatsApp पे शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री रिचार्ज वगैरह के या फ्री ऑफर वाले जो ग्रुप्स होते हैं WhatsApp के, टेलीग्राम के, इसके अलावा Facebook के भी काफ़ी ओपन ग्रुप होते हैं जहाँ पर की पोस्ट वगैरह करना अलाउ होता है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसका कोई खास व्यू नहीं दिखता। मैं चलिए फिर से आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो मोबाइल स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा इसका लुक देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की आपकी स्क्रिप्ट ये रेडी हो जाएगी। अब आपको पता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट जब वायरल होती है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और जितना ज़्यादा आपका ट्रैफिक आएगा उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। और अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको योफन का अप्रूवल किस तरह से लेना है, और दूसरे वीडियो मैंने आपको बताया था कि योफन के जो एड होते हैं एडसेंस के, उसे आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर किस तरह से शो करा सकते हैं, या फिर हेलिंक वाला जो एडसेंस होता है उसके एड्स को आप अपने ब्लॉगर पर किस तरह शो करा सकते हैं। तो उस स्क्रिप्ट का यूज करके आप अपने एडसेंस के एड कोड भी यहाँ पे रन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे अच्छे से वायरल करा लेते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि एडसेंस की हेल्प से आपकी कितनी ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इस तरह की फ्री रिचार्ज वाली स्क्रिप्ट अपने ब्लॉगर पर क्रिएट करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में और उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस स्क्रिप्ट का यूज करके आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं और यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।